डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी परिसर बचाओ कृति समिति द्वारा महिलाओं के नेतृत्व में शुरुआत से किया गया आंदोलन काफी चर्चा का विषय बना रहा। आंदोलन की समाप्ति उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बाद की गई, लेकिन उसके बाद भी कहे मुताबिक आश्वासन की पूर्ति ना किए जाने को लेकर आंबेडकर सांस्कृतिक भवन बचाओ कृति समिति लगातार अब भी लड़ रही है। जिला नियोजन समिति द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार आंबेडकर भवन को 10 करोड़ का निधि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य के आदेश दिए गए। इस आदेश के संबंध में मुख्य संयोजक किशोर गजभिये इनके नेतृत्व में आंबेडकर सांस्कृतिक भवन बचाओ कृति समिति इन्होंने इस आदेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चर्चा आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बात करते हुए बताया कि समाज भवन और सांस्कृतिक भवन के बीच का अंतर समझाते हुए हमें समाज भवन नहीं सांस्कृतिक भवन चाहिए, यह मांग उठाई। क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम किशोर गजभिये है और मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन परिसर बचाओ अंबाझरी कृति समिति इसका मैं मुख्य संयोजक हूँ। मेरे साथ में हमारे कृति समिति के सभी साथी है। आज की जो पत्रकार परिषद थी वो इस बात के लिए थी कि दो दिन पहले 9 तारीख को 9 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार ने, मैं कहूँगा जिलाधिकारी कार्यालय से, एक प्रशासकीय मान्यते का एक आदेश जारी हुआ है। उस आदेश में ये कहा गया है कि अंबाझरी गार्डन जो है, जहाँ पर हम लोग 19 एकड़ जगह के लिए पिछले 2.5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि ये जगह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक के लिए निश्चित होनी चाहिए और आवंटित होनी चाहिए, और यहाँ पर जो सांस्कृतिक भवन था उसको जो बुलडोज़र लगा के गरुड़ा एम्यूजमेंट पार्क नाम की एक कंपनी ने जो उसको उध्वस्त किया था, तो गरुड़ा एम्यूजमेंट पार्क का टेंडर रद्द करके वहाँ पर शासन के द्वारा एक बड़ा भवन का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए हमको माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय ने 25 जून 2023 को आश्वासित किया था कि वहाँ पर सरकार के खर्चे से बनेगा, बड़ा बनेगा, और ये भी कहा गया था कि मुंबई में जो इंदू मिल है चैत्य भूमि के बगल में, वहाँ पर जिस प्रकार का भव्य स्मारक हुआ है उसी प्रकार का स्मारक यहाँ बनेगा। ये सब चलते हुए हम लोगों ने हमारा आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन फिर पिछले 2 महीने से हम लोग फिर से आंदोलन में हम लोग व्यस्त हो गए और हमने आंदोलन फिर से शुरू किया। अब 9 तारीख की ये बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की कॉपी हमारे हाथ में आती है, जिसमें ये कहा गया है कि डॉक्टर आम्बेडकर समाज भवन का निर्माण वहाँ होगा और उसके लिए 10 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, और वो भी जिला योजना से। जिला योजना से ये समाज भवन बनाना ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अवमान है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि समाज भवन कहाँ बनाया जाता है? जहाँ पर दलितों की बस्ती होती है, अम्बेडकर लोग, अम्बेडकरी समाज के लोग होते हैं, दलित समाज के लोग होते हैं, पिछड़े समाज के लोग होते हैं, उनके शादी ब्याह के लिए या उनका जन्मदिवस मनाने के लिए, छोटे अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए समाज भवन होता है। ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 20 एकड़ के ऊपर, लगभग 20 एकड़, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 19 और 20 के बीच में है। तो 1974 में जो तत्कालीन महानगर पालिका ने बनाया था, ये भवन तोड़ के समाज मंदिर बना रहे हैं। सरकार ने क्या करना चाहिए? कोई चीज़ अगर छोटी है तो उसको तोड़ के बड़ी बनाना चाहिए, तो जो चीज़ जितनी बड़ी है उसको तोड़ के छोटा समाज भवन बना रहे, ये बात हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा आंदोलन तीव्र करेंगे। हम महाराष्ट्र शासन की इस योजना को नकारते। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में, मल्टीपल करियर ऑप्शन के साथ पाए जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिस में। आज ही एनरोल करें ICA Skills Private Limited। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, थंतोली, नागपुर 4400012। संपर्क करें 9226466779।